सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरर। तो क्या हाल है आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। सो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सोमराज के साथ। सो रिसेंटली सोमराज यहाँ पर बात करते हुए नजर आ जाते हैं मवी के बारे में, जहाँ पर वो मवी के ऊपर ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं मवी के परफॉर्मेंस को लेकर के एंड मवी के कमबैक को लेकर के। भाई मावी पे रिव्यू, भाई मावी अभी जो काम किया है ना, पहले जो इतना वो टॉक्सिक था, सबको कुछ ना कुछ बोलते रहता था, उसका टीम का जो भी रिव्यूज था सारा बहुत मतलब वो टॉक्सिक था, जो कि मतलब गलत नहीं है क्योंकि आई सपोर्ट मावी, यू नो मैं भी थोड़ा टॉक्सिक काइंड ऑफ आईजीएल था, पर अभी उसमें आउटसाइड द गेम उसका बहुत ज्यादा चेंज आया है। अभी वो पता नहीं उसका बूट काम में क्या चलता है, पर हम जितना देखे हम वही बता रहे हैं, उसका बहुत अच्छा अभी मतलब वो ट्रीट करता है, उसके साथ तीन छोटे छोटे बच्चे ही है अभी उस वो शायद से, या नहीं पता निंजा बॉय सबका एज मेरे को, पर छोटे ही है और नए हैं अभी T1 इसमें, बीस्ट उसमें एक पुराना प्लेयर था, पर अभी वो बहुत अच्छा खिला रहा है और आने वाले टाइम पे एक कंपीटिंग टीम उनकी भी रहेगी अगर वो लोग अभी अपना सब चीज़ फिक्स कर लिए तो। वही ये वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आईफ्लिक के बारे में, जहाँ पर वो काफी सारी चीजों के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं, जैसे क्या गॉडलाइक का वन नॉक पुश वाला स्ट्रेटेजी हमें वापस से देखने को मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पर जोनाथन के फैन बेस के बारे में भी बात करते हैं, साथ ही साथ क्या हमें कोई भी ग्लोबल स्क्रिम्स देखने को मिल जाएगी इंडिया के लिए, जिससे इंडिया के प्लेयर्स और इंटरनेशनल लॉबी का एक्सपीरियंस गेन कर पाए। नॉक पुश वाला गेम जो है वो गॉडलाइक को रखना चाहिए, ऐसा कुछ एम नहीं होनी चाहिए कि भाई नॉक पुश करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। आई थिंक अपोलो के साथ बन जा रहा है वो कोऑर्डिनेशन, तो प्लस ही दिख रहा है मेरे को तो। ठीक है, फैन बेस कैसा था? अरे भाई धोनी का एकदम पूरा मतलब पूरा उधर यू नो सोल का एक अलग फैन बेस, गॉडले का अलग फैन बेस और धोनी का एक अलग फैन बेस, ऐसा था। तो दैट वाज रियली ग्रेट टू सी ब्रो। जोनाथन के लिए तो लोग पागल, इस बार इंडिया नेपाली इन्विटेशन होने वाला है क्या, ये सच है? ये सच है, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा एटलीस्ट, बट ये फिक्स नहीं है ब्रो अभी तक। सो ये सिर्फ रूमर ही होगा, अभी तक कुछ फिक्स नहीं है ब्रो, आई एम प्रीटी श्योर। पहले तो BJS होने तो दे मेरी भाई। स्क्रिम्स विद द ग्लोबल टीम कैन हैपन फॉर इंडियन टीम्स, दिस कैन हैपन, इफ इट हैपेंस इट्स अ गुड थिंग फॉर द इंडियन टीम्स ओनली, बिकॉज हम हमेशा सिर्फ हमारी टीम्स के अगेंस्ट खेलते रह रहे हैं, जिस वजह से हम उतना जिस स्पेस में हम बढ़नी चाहिए, जिस स्पेस में हम सीखनी चाहिए, उतनी सीख नहीं मिल रहा, बिकॉज हम हमेशा वो एक बोतल के अंदर ही रह रहे इंडिया, दैट्स इट। हम इंडिया के अंदर बस खेलते रह रहे हैं, हम इधर ही खेलते रह रहे हैं, इसी टीम के अंदर, इसी प्लेयर्स की कैलिबिलिटी के अंदर बस खेल रहा है, इनका ही ऑपोजिट खेल रहे हैं। हर एक इवेंट में यही बंदे मिलेंगे, यही टीम्स मिलेंगे, यही स्ट्रेटजी मिलेंगे, मतलब सब कुछ सही मिल रहा है। हमें कुछ इससे बढ़कर या फिर इससे डिफरेंट मिलने का जो है वो बहुत कम। आई वुड डेफिनेटली वांट टू हैव दैट स्क्रिम्स between Indian teams versus the global teams. If it happens, it will be great. But अभी तक कुछ idea नहीं है कि ये हो रहा है। बाकी खैर वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वॉर मेनिया के बारे में। So basically आपको पता होगा कि वॉर मेनिया लास्ट टाइम जब टूर्नामेंट करवाते हुए नजर आई थी तो उनपे कुछ एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने प्राइस पूल को स्कैम किया है। ऑल्दो वॉर मेनिया ने इस चीज को क्लैरिफाई करा था कि यार उनको आगे से ही पैसा नहीं मिला, एंड अभी रिसेंटली वॉर मेनिया यहाँ पर वापस रिटर्न करते हुए नजर आ जाती है, जिसके चलते एस ब्लैक यहाँ पर वॉर मेनिया से प्राइस पूल के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, जहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन ये मिलता है कि एस ब्लैक ये बताते हैं कि ऑन अ रीसेंट कॉल वॉर मेनिया के रिप्रेजेंटेटिव से उनकी बात हुई एंड पेमेंट ऑफ प्रो वॉरियर कप सीजन 2 जो कि 2022 में हुआ था वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डिले फेस करना पड़ा था, एंड वॉर मेनिया एश्योर दिलाती है कि अप्रैल 2024 में वो सारी पेमेंट करवा देंगे, एंड एस ब्लैक ये बोलते हैं कि इस मैटर के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा वो बताते रहेंगे, होपिंग फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी। बाकी वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वॉर जोन के बारे में। सो बेसिकली वॉर जोन मोबाइल के रिगार्डिंग मैंने आपको लास्ट अपडेट ये दी थी कि वॉर जोन मोबाइल फोन पर हमें देखने को मिल जाएगा। सो वेल ऐसी स्पेकुलेशन निकल करके आ रही है कि वॉर जोन मोबाइल इसी साल मार्च या फिर मई मंथ में हमें देखने को मिल जाएगा, या फिर उसके अगले के अगले मंथ में हमें फोन पर देखने को मिल जाएगा। बाकी कह रहे हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। सो रिसेंटली स्काउट बीजमाए के क्लिप्स को पोस्ट करते हुए कुछ ये अपडेट देते हैं, नॉट अपलोडिंग एनी मोंटाज और क्लचेस टिल आई एम सेटिस्फाइड विद द गेम, विल बी अपलोडिंग सच स्टोरीज टू कीप एवरीवन अपडेटेड, आई फील एग्जैक्टली द सेम वे आई यूज्ड टू फील बैक इन 2019-2020, विल मेक श्योर थिंग्स आर डिफरेंट दिस ईयर। ऑल्सो आगे वो बोलते हैं आई फील लाइक दिस इज वॉट आई वॉज मिसिंग द मोस्ट एंड विच आई यूज टू एंजॉय द मोस्ट ई स्पोर्ट्स, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन पास्ट फ्यू ईयर्स बट ऑब्वियसली वी कैन ब्रिंग बैलेंस इन बोथ कॉन्टेंट एंड ई स्पोर्ट्स, एंड आगे वो यहाँ पर लाइन एड करते हैं हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। बाकी खैर वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्राफ्टन के बारे में। सो बेसिकली क्राफ्टन ने यहाँ पर अंडरडॉग के रिगार्डिंग एक रूल तो निकाला ही था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और सो यहाँ पर वो थर्ड पार्टी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को लेकर के भी एक रूल निकालते हैं, एंड वो ये बोलते हैं कि थर्ड पार्टी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स
डायरेक्टली किसी भी टीम को इनवाइट नहीं कर सकती अपने आईपीस में, वेल ये बेसिकली उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है सभी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर से कि कोई भी डायरेक्टली इनवाइट ना करे किसी भी टीम को अपने आईपीस के लिए। बाकी वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक मर्डर केस के बारे में, जो कि यार है कुछ और कुछ समझ लिया जा रहा है। तो वेल मैं आपको पहले पूरा केस बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि क्या मिसकम्युनिकेशन हमें देखने को मिल रही है। वेल होता कुछ ऐसा है कि एक लड़के का नाम है हिमांशु, जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगा कि उसने अपनी ही मदर का मर्डर कर दिया 50 लाख की लाइफ इंश्योरेंस का फायदा उठाने के लिए। एंड फिर वो पकड़ा गया उनकी बॉडी को यमुना रिवर बैंक के पास डिस्पोज करते हुए। अब बेसिकली यहाँ पर फतेहपुर पुलिस का एक इंटरव्यू हमें देखने को मिल जाता है, जिसकी एक वीडियो भी एक्स पर आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर फतेहपुर पुलिस ये बताती है कि एक बंदा जो कि एडिक्टेड है ऑनलाइन गेमिंग से, उसने अपनी मदर की हत्या करी ताकि वो लाइफ इंश्योरेंस के पे आउट को क्लेम कर सके और अपने सभी डेब्ट को सेटल कर सके। एंड अकॉर्डिंग टू पुलिस हिमांशु यहाँ पर डीपली इन्वॉल्व था गेमिंग के अंदर, एंड उसकी इतनी एडिक्शन थी कि यार वो पैसे उधार लेकर के गेम खेलता। एंड ऐसा कर करके यार उसके ऊपर 4 लाख का डेब्ट था। एंड जब उसके ऊपर यार ये चीज का भार बढ़ने लगा, मतलब उसके पास रिपे करने के लिए कोई भी पैसे नहीं थे जो कि 4 लाख का डेब्ट उसके ऊपर था, तो यार उसने एक प्लान बनाया अपने सभी डेब्ट को रिपे करने का। इनफैक्ट हिमांशु ने यहाँ पर अपने आंट्स की ज्वेलरी को भी चुराया, एंड इसके बाद उसने 50 लाख की वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हासिल करने का एक प्लान बनाया। एंड जब उसके फादर घर पर नहीं थे, ही एलिजिबली चोक्ड हिज मदर जिनका नाम प्रभा था, एंड उनको मारने के बाद उस बंदे ने जूट बैग में उनकी बॉडी को रखा एंड उसको ट्रैक्टर के थ्रू यमुना बैंक रिवर के पास ले गया डिस्पोज करने के लिए। एंड जब उसके फादर घर लौट करके आए थे, उन्होंने डिस्कवर करा कि उसकी वाइफ और बच्चा दोनों ही घर पर नहीं है। फिर उसने इंक्वायरी करी अपने नेबरहुड में, जहां पर एक नेबर ने ये बताया कि उसने हिमांशु को ट्रैक्टर ले जाते हुए देखा था नदी किनारे। एंड इसके बाद जब काफी सारी छानबीन वगैरह हुई, उन्होंने पुलिस में भी बात करी, तब हिमांशु पकड़ा गया और उसको इंटेरोगेट करा गया, एंड ये सारी सच्चाई बाहर निकल के आई। अव्वल मैं आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो ऑनलाइन गेम की बात हो रही है, जिसके रिगार्डिंग एडिक्शन है, काफी सारे न्यूज आर्टिकल उसको ऑनलाइन गेमिंग से रिलेट कर रहे हैं, मतलब जैसे बीच माए, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, इन गेम से वो रिलेट कर रहे हैं। बट असल में यार इन गेम्स को खेलने के लिए किसी को भी 4 लाख का डेब्ट नहीं लगता है। सो वेल इस चीज के चलते कुछ ऐसे जने भी हैं जिनका ये मानना है कि यहाँ पर बात हो रही है गैम्बलिंग वाले गेम्स के बारे में, मतलब ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स के बारे में। सो बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग गेमिंग दोनों अलग अलग है। एंड आई गेस यार इसके रिगार्डिंग हमने तकरीबन 5 से 6 महीने पहले बात भी करी थी। सो वेल ये था वो पूरा केस, एंड वो कंफ्यूजन भी क्लियर आउट हो चुकी है कि यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है। बेसिकली यहाँ पर ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले गेम्स की बात हो रही है। सो वेल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं अभी चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।